इफ द डाइपोल मोमेंट पी प्लस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ए द टॉर्क इस पे कितना लगेगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। टॉर्क जो होता है, अगर यहाँ मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब मैं डाइपोल इधर रखता हूँ माइनस क्यू और प्लस क्यू, तो ये डाइपोल किधर घूमेगा। डाइपोल की हमेशा यही इच्छा होती है कि डाइपोल मोमेंट अभी इधर है, पी वैक्टर इधर है और ई वैक्टर इधर है, तो डाइपोल हमेशा ऐसे घूमेगा जैसे दोनों पी और ई पैरेलल हो, पी और ई पैरेलल हो, इस तरह से घूमेगा। बिकॉज जो पैरेलल होता है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, तो अभी ऐसे घूमेगा। या नहीं तो आप वेक्टर से इससे देखते हैं, टॉर्क की वैल्यू होती है पी क्रॉस ई। डायरेक्ट फार्मूला बेस है, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। टॉर्क की वैल्यू पी क्रॉस ई, पी इधर है, ई इधर है, पी क्रॉस ई एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। बी ऑप्शन सही है, डायरेक्ट फार्मूला बेस है।